विकास है ना आगे बैठा हुआ, दिखेगा नहीं अभी। अब इंश्योरेंस कंपनी को हर बार का खड़ा है, इसको वेरीफाई कराओ। बाकी लग गजब रही है पूरी है, ड्यूअल टोन भाई। कई बार टॉप मॉडल लेने के बाद भी कुछ बेसिक एक्सेसरीज होती हैं जो गाड़ी के अंदर लगती है और लगवानी भी चाहिए। इसको अर्थ दिया है, यहाँ से इसको फ्यूज बॉक्स से कनेक्शन दे दिया, गाड़िया काम हो रहा ना। अब आपको गाड़ी के बारे में बताता हूँ, कनेक्शन फ्यूज बॉक्स से देना है समझे। पर सिट्रोन की लाइट तो भाई इससे भी ज्यादा तेज हो रही है। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल मेंस अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बाय बाय एमजी, बाय बाय भाई। एमजी का अब जाने का वक्त आ गया है। मैं बाहर अभी इसीलिए खड़ी कराया था ना कि एमजी से अभी आएंगे एंड फिर जिसकी अमानत है वो अपनी वापस ले जाएगा। एंड आपके लिए भाई एमजी के मैंने 4 वीडियोस प्रॉपरली बना दिए, उसमें सारी चीजें बता दी एमजी की। एंड लास्ट वीडियो में भी क्लियरली उसके सारा कम्प्लीट जो रिव्यू होता ना वो बना दिया, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। गाड़ी लेने लायक है नहीं है वैसे, उस वीडियो में मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी बताया था भाई, अगर आपको छोटी गाड़ी चाहिए, बिल्कुल छोटी गाड़ी चाहिए और फीचर्स भी चाहिए उसके अंदर और इलेक्ट्रिक कार चाहिए तो आप देख सकते हो, पर ओनली फॉर सिटी नॉट फॉर द हाईवेज। हाईवे पे ले जाने की भाई हिम्मत मत करना, इसको दिक्कत हो जाएगी आप, या फिर आपका डिस्टेंस शॉर्ट होना चाहिए। काफी दिन हो जाता है ना मैं स्कॉर्पियो में दिखता नहीं हूँ, तो कहीं कोई लगता है अरे विक्रम भाई स्कॉर्पियो बेच दी क्या। नहीं भाई अभी ना बेचिए, अभी तो महिंद्रा में ही खड़ी है। मैं ओके हो गई है भाई, दोनों उसके बम्पर जो थे वो चेंज हो गए हैं, पिक करनी बाकी है। पिक तो कब होगी, अभी भाई एक दो दिन लगेगा उसको पिक करने में। क्यों? क्योंकि भाई जो मेरा डीएल है वो बना था 2005 में, एक्सपायरी उसकी 2026 की है, और उस टाइम पे जो डीएल बनते थे भाई वो मैनुअली बनते थे। अब इंश्योरेंस कंपनी को हर बार का खड़ा है, इसको वेरीफाई कराओ। अब भाई कौन जाएगा सफीदो वेरीफाई कराने, जिन डिस्ट्रिक्ट में सफीदो सब डिविजन है वहां से बना था भाई 2005 में, पापा की पोस्टिंग उस टाइम वहां पे थी तो उस टाइम वहां से बना था। अब भाई कौन जाएगा वेरीफाई कराने, गलत थोड़ा यार, प्रॉपर दिखा रहा हूँ, वेरीफाई करा लो। और वैसे तो ये इंश्योरेंस कंपनी की रिक्वायरमेंट है, तो इंश्योरेंस कंपनी को खुद वेरीफाई कराना चाहिए। अगर आपको भी कंपनी ऐसे तंग करती है ना तो भाई तंग मत हुआ करो, कह दिया करो क्लियरली, मैं तो नहीं कराता, करा के दो आप अपने आप वेरिफिकेशन, आपका काम है, मेरी रिक्वायरमेंट है मेरी तरफ से तो भाई ये बिल्कुल जेन्युइन है। हाँ नकली है फ्रॉड है उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, वेरिफिकेशन आप कराओ, हमारा काम थोड़ा है। इंश्योरेंस कंपनी तो कुछ देखेगी हर चीज, बस हाँ जी ये पेपर ला के दे दो, ये ला के दे दो, ये ला के दे दो। हाँ एक चीज और मांगते हैं उसमें कि जब भी आपकी गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट ऐसा होता है कि उसमें कोई थर्ड पार्टी का नुकसान तो नहीं है, भाई कल को कोई बंदा उठा के क्लेम कर दे, कह दे कि जी इनकी गाड़ी से मेरा नुकसान हुआ था, वो एफिडेविट भाई इंश्योरेंस कंपनी मांगती। खैर वो तो चलो देने में कोई हर्ज नहीं है, वो तो आप बनवा के दे सकते हो कि मेरी गाड़ी से किसी गाड़ी को, किसी इंसान को या किसी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई क्षति नहीं पहुंची है, तो ये आप बनवा के दे सकते हो। तो वो तो मैंने रेडी कर रखा है, वो तो कल जब जाऊंगा मैं तब दे दूंगा उनको, पर वही बात है भाई बहुत डिले करते हैं भाई। क्रीम खाली इंसान नहीं लगाते, गाड़ी भी लगाती है, दिखाऊं ये लगा रखी है भाई इस पे क्रीम, और क्या स्टीम कर रहा है इसको है। हाँ। क्या बात है, देख लो भाई गाड़ी भी स्टीम होती है, स्टीम बात दे रही है, स्टीम बात है। इससे मतलब क्या, कोने कोने में जो होता है ओके, तो कोने कोने में मिट्टी जो जम जाती है ना भाई, क्रीम लगा के और इस पे मार दो स्टीम, फिर ही हो जाती है। अभी गाड़ी कंप्लीट हुआ था फिर आपको दिखाते हैं, फिर इसको भी लेके तो चलना है अपने को करोल बाग। क्या यार आज तो लेट हो गया यार, बहुत लेट हो गया, निकलवा रहा हूँ फटाफट, बहुत जल्दी है, अभी अपन लेट हो जाएंगे क्योंकि अपन को पहुँचना है करोल बाग, और करोल बाग का टाइम तो वैसे तो मॉर्निंग का होता है, और भाई शाम हो चुके 6 बज गए। अभी कॉल भी ऐसे बात हुई थी, भैया बोले रे भैया जब तक पहुंचोगे लेट हो जाओगे, कल आ जाना। मां नहीं 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 मेरे को तो देख रहा है मेरी स्कॉर्पियो में कितना काम हुआ है, और भाई इस एक्सयूवी में भी तो काम कंप्लीट करा के भेजना ना भाई, इतनी दूर से पानी पस्से आई हुई है फिर दोबारा लाना देखना। वैसे तो मेंटेनेंस के लिए गाड़ी आएगी वो तो फिर काफी टाइम बाद आएगी ना, पर जो काम भाई ने बोल रखा है तो वो भी तो कराना जरूरी है ना। बाकी लग गजब रही है पूरी है, ड्यूअल टोन। अभी इधर तो भाई ट्रैफिक बहुत कम दिख रहा है मेरे को, चलता चलता ट्रैफिक है, ऐसा ही ट्रैफिक भाई आगे भी मिल जाए एम्बेस मॉल के पास, बस जाम ना मिले, वहां से लेके फिर महिपालपुर तक भाई पूरा जाम नहीं मिलना चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा ना ऑलवेज स्टे पॉजिटिव भाई, नेगेटिव शब्द नहीं बोलने, बिल्कुल नहीं बोलने, ऐसे बोला नहीं कि मैं फंस जाऊंगा ये हो जाएगा, देखो भाई फंसना लिखा हो तो फंस जाएंगे नहीं तो भाई पहुंच ही जाएंगे। अब ये देख लो ये दिखा रहा है ईटीए हमारा कितने बजे दिखा रहा है, ऑलमोस्ट इसने 8 बजा दिया यार। कॉल भैया को देख पार्टी में भी जाना है, चलो कोई बात नहीं हम थोड़ा सा भगा के लेंगे, खैर गाड़ी में भी टम्पे नंबर है, स्पीड में तो नहीं आई, खैर जो मेरे साथ साथ जो दूसरी गाड़ी चल रही है उसमें भाई नंबर प्लेट लग रखी है। 7:13 पे पहुंचा दिया भाई, 8 बजे का ईटीए था अपना करोल बाग का, देख लो हम एनसीआर के अंदर भी ईटीए को मात दे देते हैं। ये भैया को लेट रन करने के लिए भैया ने कितना मना किया, मत आना मत आना, मैं फिर भी पहुंच गया भैया, 1.25 घंटा बीट गया मैंने ईटीए को, 8 बजे का ईटीए था। स्माइल देख रहा हूँ भैया के चेहरे पे, टाइमली पहुंच गया मैं इसलिए आ रही है। हाँ आपको लेट नहीं करा सकता मैं पार्टी में, आपको पार्टी में जाना है ना,
हाँ भैया बहुत पार्टी करते हैं अंकल जी, सत श्री अकाल। ठीक हो जी भाई, अब अपनी गाड़ी जो है वो है AX7 लग्जरी ऑल व्हील ड्राइव। अब कहोगे विक्रम भाई इसमें क्या एक्सेसरीज लगाओगे, भाई कई बार टॉप मॉडल लेने के बाद भी कुछ बेसिक एक्सेसरीज होती हैं जो गाड़ी के अंदर लगती है और लगवानी भी चाहिए। सबसे पहली अच्छा म्यूजिक तो देखो गाड़ी में दे रखा है, कोई कोई चेंज भी कर लेता है, कर भी लेना चाहिए। देखो मेरा अगर टेस्ट होता तो मैं जरूर इसको चेंज करता, लेकिन भाई कह रहा है कि मेरे को आवाज सफिशिएंट है लेकिन थोड़ा सा ना अच्छा करना है उस कार की, नॉइज कम करनी है, तो वो होती है अपनी डैम्पिंग से। भैया डैम्पिंग क्या फायदा करती है? डैम्पिंग से जितनी भी आपकी एक्सटर्नल नॉइज होती है, जितना भी एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और दरवाजे काफी हैवी हो जाते हैं और स्पीकर्स की जो आपकी डेप्थ होती है हायर वॉल्यूम्स पे वो काफी इंक्रीज हो जाती है। तो ये फायदा होता है भाई अपनी डैम्पिंग का। दूसरा गाड़ी के अंदर माहौल भी तो बनाना है, पीने का माहौल नहीं कह रहा मैं, गाड़ी के अंदर लाइटिंग वाइटिंग अच्छी हो जाए। बाहर तो लाइटिंग इसकी अच्छी है ही, अंदर भी तो लाइटिंग अच्छी हो जाए, उसके लिए हम लगाएंगे गाड़ी के अंदर 4K हम एम्बिएंट लाइट लगाएंगे। ये लेटेस्ट मॉडल है भाई 2023 का, ये गाड़ी के अंदर लगा। और हमारी दूसरी गाड़ी भी आई हुई भाई C3, उसके अंदर हम लगाएंगे भाई अजूम की अपनी लाइट। ये है इसकी हेडलाइट H4 उसके अंदर, और ये है फॉग लैंप, ये लगेगा H11। ये 120 वोट लगाएंगे, ये 150 वोट लगाएंगे। जैसे हम पहुंचे तो लेट है पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे काम हो जाएगा। और एक चीज, स्क्रीन बहुत बड़ी है, उस पर स्क्रैच लगने चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, चाहे स्क्रीन बड़ी हो चाहे छोटी हो भाई, स्क्रैच तो लगने चांसेस रहते हैं। उसके लिए हम लगाएंगे इसमें टेम्पर्ड ग्लास, मतलब स्क्रीन गार्ड, ये ग्लास नहीं है भाई स्क्रीन गार्ड है। और अपनी स्कॉर्पियो का इंटीरियर भी रेडी हो गया भाई, दिखा दूंगा अभी, दिखा दूं। ओ देखो, ओ दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, विकास है ना आगे बैठा हुआ, दिखेगा नहीं अभी। विकास तो छुपा ले उसको, मैं फिर दिखाऊंगा, देख देख। ये देखो देखो, ए देखो विकास के पीछे छुपा हुआ है, देखो है, अभी विकास हटेगा तब दिखेगा। विकास हट गया बस। नहीं भाई कल दिखाएंगे, कल दोबारा आना हमारे को, अर्ली मॉर्निंग आना। आज जीप तो हमारे को चेक करना था ना कि हमारा स्कॉर्पियो की सीटिंग इंटीरियर कैसा बना है। हैरियर का इंटीरियर भूल जाओगे बस, अब आप ये देख लो, मतलब हैरियर का इंटीरियर कितना पसंद आया था आपको, आप वो भूल जाओगे। विक्रम भाई कमाल कर दिया, मैंने नहीं कमाल किया, इस बंदे ने कमाल किया। ये भाई अपनी C3 है, इसकी जो हेडलाइट है वो येलो है, फोग लैंप है वो भी येलो है, और जो DRL है वो व्हाइट है। देखो वैसे फोग लैंप तो भाई येलो ही चलता है, फोग लैंप येलो ही होना चाहिए, लेकिन भाई आजकल ट्रेंडी है व्हाइट का, तो भाई दोनों ऊपर नीचे इकट्ठे ही व्हाइट कराएंगे ना, तो ऊपर इसकी हेडलाइट चेंज होगी एंड नीचे फोग लैंप। वैसे चाहे तो हम नीचे प्रोजेक्टर भी लगवा सकते हैं, लेकिन अभी हम इसके अंदर ना खाली LED चेंज करेंगे इसकी, मतलब इस बल्ब को निकालेंगे और LED चेंज करेंगे। और लाइट का थ्रो देखो बिल्कुल जीरो सा है, मरा मरा सा, अब इसका थ्रो देखना चेंज होने के बाद। इधर अनबॉक्सिंग का काम चल रहा है, तो भाई ये पन्नी आ रखी है इसमें, हालांकि पन्नी मोटी है लेकिन भाई ये इतना मतलब कवरेज नहीं करती जितना अपना डैम्पिंग कर देगी, तो इसको हटा देंगे, प्रॉपर डैम्पिंग हो जाएगी। उस वाले दरवाजे में हो चुकी है, पप्पू भैया उधर लगे हुए हैं, पीछे भाई ये लगा हुआ है, गाड़िया काम हो रहा है ना। अब आपको गाड़ी के बारे में बताता हूँ, गाड़ी में हमने क्या क्या काम कराया माफिया से। तो देखो आप इसके ऊपर ना देखो मैट सी शाइन देख रहे हो, है जैसे लाइट पड़ रही है, तो इसके ऊपर भाई हमने कराया है मैट PPF। ये देखो क्रिस्टल्स, देखो पेंट के जो क्रिस्टल्स हैं वो कैसे अंदर से उभर के दिख रहे हैं, तो भाई कलर बड़ा ही प्यारा लग रहा है। अभी देखो एक वो वहाँ पे वाइट खड़ी है, वो बिल्कुल प्लेन वाइट है, ठीक है, और ये मैट वाइट है, हालांकि ये PPF है, ये रैप नहीं है भाई। और ग्रीन पे भी कितना मस्त लगा था ना अपना मैट, तो मेरे को इतना तो था कि वाइट पे कराऊंगा ना तो बड़ा प्यारा लगेगा। एंड जो रूफ है भाई वो रूफ पूरी ब्लैक पेंट नहीं है भाई, PPF है, पिलर हुआ लास्ट तक, मतलब ये वाला ना पूरा पीस सिंगल पीस है, कोई कट नहीं है इसमें, ज्वाइंट नहीं है बीच में, छत है वो सिंगल पीस है। कई लोग क्या करते हैं ना वो बचाने के चक्कर में करते हैं, लेकिन अपना भाई माफिया पे ऐसा काम नहीं होता, बचत वाला स्कीम नहीं है। एंड इसको भाई अपन ने किया है पहले ब्लैक पेंट ORVM का जो एक कवर है, एंड देन इसके ऊपर क्लियर ग्लॉस PPF और जितनी भी क्लेडिंग। अब आपको पता है यार मेरे को क्लेडिंग थोड़ी ग्लॉस पसंद है, वो यार मैट वाली जो होती है ना वो खाजली खाजली सी हो जाती है। ये देखो थोड़ा दिन मैंने वाइट वाइट सी दिखने लगती है। खैर ये भी अपनी गाड़ी है, अब ये गाड़ी तैयार होके घर चली जाएगी, ये वाली गाड़ी अब माफिया पे जाएगी। इसका तो भाई आप कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा कलर, कि हमारे को ना इसका कलर चेंज करना है, ये कलर रखना नहीं है। तो अब ये देखो भाई ये सारा ग्लॉस ब्लैक हो गया सामने से, देखो जितना पार्ट था, कोई सिल्वर नहीं बचा, कोई सिल्वर कलर नहीं है, ओनली वाइट एंड ब्लैक। ग्रिल अभी चेंज नहीं किया हमने, ग्रिल को सेम वैसा ही रखा है जैसी थी। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये मैट PPF कैसी लगी अपनी व्हाइट XUV 700 पे। और ये 700 भाई ऑल व्हील ड्राइव भी इसलिए लिया ताकि अपनी स्कॉर्पियो के साथ ये ट्रैवल कर सके। और अब आप पूछोगे कि विक्रम भाई इसकी PPF की क्या कॉस्टिंग रही, पेंट की क्या कॉस्टिंग रही, तो भाई अभी पूरा फाइनल कुछ हुआ नहीं है, वो गाड़ी भी जाएगी। खैर इस वीडियो में आपको XUV का तो बता ही दूंगा अभी जब वापस जाएंगे। ब्रांड यहाँ पे रोलर घुमा रहा है भाई, भाई ड्राइवर साइड के दरवाजे की भी डैम्पिंग कंप्लीट हो गई है, एंड ये जो तार आप देख रहे हो ये इसकी एम्बिएंट लाइट की है। एंड भाई एम्बिएंट लाइट का कनेक्शन हमने यहाँ से दिया है, ये रहा फ्यूज बॉक्स से, है ना भाई, कोई तार तो नहीं काटी ना हमने, कोई तार नहीं काटी, कोई छीली नहीं, कोई पील नहीं, हमारी तार है जो हमने डाली है, हमने लाल और सफेद वाली तार डाली, वहां से इसको अर्थ दिया है, यहाँ से इसको फ्यूज बॉक्स से कनेक्शन दे दिया, बस यही करना है।
तो ये सवाल बहुत आता है कि विक्रम भाई हम एमिट राइट लगवाते हैं तो उसके ऊपर एंटीबॉयड होती है नहीं होती। देखो भाई, अगर आप कोई तार कटवाओगे नहीं, छिलवाओगे नहीं, पील नहीं कराओगे तो कोई वारंटी वॉयड नहीं होगी। आपने फ्यूज बॉक्स से कनेक्शन दिया है यार, कोई तार तो ना काटी है, तो आपकी गाड़ी की वारंटी वॉयड नहीं होगी एमिट लाइट लगवाने से। कनेक्शन फ्यूज बॉक्स से देना है, समझे? तो भाई हमने अभी इसके अंदर जेन्युइन होल कर दिया यहाँ पे। अब ये लग रहा है इसमें 12 वोल्ट की बहुत कमी रहती है भाई, महिंद्रा आगे देता ही नहीं है, तो भाई ये लगवाना जरूरी था। इसे परमानेंट लगवा दे, वैसे एक्सटेंशन भी आता है इसका, पर हमने इसके अंदर परमानेंट ही लगवा दिया। तो भाई ये प्रॉपर फिट हो गया, पता भी लग रहा है बिल्कुल फेस टू फेस हो गया। हाँ, पीछे पता लग रहा है, पीछे पता लग रहा है। इसका कनेक्शन दे देंगे और इसको 15 एम्पीयर में देंगे ना कनेक्शन हम इसको। हाँ, फिर फ्यूज नहीं उड़ेगा। एक्सयूवी का तो भाई काम कंप्लीट हो गया, डैम्पिंग कंप्लीट हो गई, एमिट लाइट कैसे लग रही है वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। इसका तो भाई बड़ा सेपा हो गया गाड़ी का भाई, पूरा एक तो बम्पर खोलना पड़ गया, किलो इसके अंदर लाइट लगाना भाई, पूरी लाइट खोलनी पड़ी है। और वो रहा भाई नीचे फॉग लैम्प। अब इधर की तो भाई एलईडी हमारी चेंज हो गई, लेकिन इधर की एलईडी चेंज होने में आ रही है दिक्कत, क्योंकि जो ये हमारा वाइपर का पानी की बोतल है वो वहाँ पे अड़ रही है। अब देखते हैं कैसे बात बनती है। हॉर्न भी चेंज होना है भाई, अब बम्पर खुला है तो हॉर्न भी चेंज होगा। K4 है, आजकल K4 चल रही है ज्यादा। इससे क्या होता है ना, दो चार गाड़ियां जब आपस में होती है, मतलब सेम एमिट लाइट वाली। K3 तो भाई इतनी ज्यादा कॉमन हो रखी है, कोई भी गाड़ी आपके साथ आए खड़ी उतना जुब जुब करने लगती है। ये देखो भाई ऐसी लगती है भाई, ये देखो मस्त लग रही है ना बिल्कुल। ये वाली भाई अंदर चली गई बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल जैसा डैशबोर्ड कंप्लीट आई है उसमें, वहां से लेके यहाँ तक कंप्लीट एज तक दरवाजों में आ गई। यहाँ पे कहीं नहीं करवाई भाई, और कहीं नहीं कराई, सिर्फ फ्रंट में डैशबोर्ड में और चारों दरवाजों में, एंड आपके यहाँ फुट में आ गई है और गाड़ी के रियर में आ गई है। अब आपको विक्रम भाई यहाँ पे रेड है, वहां पे ब्लू है, तो भाई इसके अंदर ना आप चेंज कर सकते हो। इसका जो ऐप है एलईडी लैंप करके आता है ना, उसमें आप ना दो अलग अलग कर सकते हो, मतलब सेम कलर भी कर सकते हो, इनका अलग कलर कर सकते हो स्ट्रिप्स का, और नीचे का अलग कलर कर सकते हो, तो ये ऑप्शन अच्छा है। तो कॉल भैया से भाई एक बार रिव्यू लेते हैं पीपीएफ का, कैसे लग रहा है भैया कलर? अच्छा लग रहा है। लग रहा है कराया आप वाली व्हाइट पे भी है सही सेम? हाँ, कहते कहते गड्डी चेंज करता हूँ अभी। गड्डी बदलनी है भैया की, नई गाड़ी आ रही है अभी 2024 में। सातों बोर हो गए, बोर हो गए। थार फाइव डोर देखते हैं। हाँ, थार फाइव डोर बहुत अच्छी आएगी, प्लेटफॉर्म पे आएगी वो, तो इसलिए लंबी चौड़ी ठाटी गाड़ी आएगी तो अच्छी लगेगी। चलानी भैया ने फिर उतनी है, ये कितनी चला ली? 2 साल में आपने 15-16 हज़ार चलाई? 1.5 साल, 1.5 साल में कितनी चलाई? 17,000। मतलब 1.5 साल में 17,000 चलाई है। गाड़ी हो गई स्टार्ट भाई, इसलिए किया ना कि बैटरी पे लोड नहीं पड़ेगा। अब आपको लाइट का थ्रो दिखाएंगे, वो तो अभी रास्ते में चलते हुए दिखाऊंगा। ये हो गए भाई, ओ हो, ये हो गई हेडलाइट ऑन। अब फॉग लैम्प ऑन करियो। हाँ, ये हुई ना अब लाइट। ये देखो उधर देखो भाई, लाइट बंद करना एक बारी, ऑन करो लाइट। ये लाइट ऑन होगी भाई, और फॉग लैम्प ये देखो भाई, ये रोशनी है। अब ये अंधेरे में बिल्कुल दिन कर देगी। एक्सयूवी की लाइट ना बहुत बढ़िया मानी जाती है, X5 से अच्छी लाइट स्टार्ट हो जाती है एक्सयूवी के अंदर, पर सिट्रोन की लाइट तो भाई इससे भी ज्यादा तेज हो रही है। अब उसकी हेडलाइट में है 150 वॉट, फॉग लैम्प में 120। भाई सिट्रोन तो बड़ी गजब की माइलेज दे रही है, इसकी MID दिखा रही है 30 किलोमीटर पर लीटर। और दिल्ली से गुड़गांव पहुंच गया मैं, 2 डंडे थे इसमें फ्यूल के, और भाई अरे कहते साथ यार, इसने तो तेल की सुई चसा दी है। अभी तो तेरी बढ़ाई करनी स्टार्ट करी थी है, तभी टी ही कर दिया। जस्ट MT इसका दिखा रहा है 55, जब चला था जब दिखा रहा था 37, तो माइलेज तो ठीक देती है भाई। ये मस्त गाड़ी है भाई, दोबारा से इसने ना 2 डंडे कर दिए बताओ फ्यूल के है। शर्मा की थी क्या, माइलेज कम बता दी तेरी है? नहीं यार, माइलेज कम कहाँ बताई थी मैंने, अच्छी बताई थी। अब आपको कराता हूँ गाड़ी की लाइट्स चेक। खाली DRL ऑन है, ये फॉग लैम्प ऑन हुआ, ये लाइट ऑन हुई, और ये हाई व्यू थ्रो देखो और स्प्रेड देखो लाइट का यार। और आगे वाले बंदे के भाई आंखों में नहीं मारनी होती, हमेशा गाड़ी आपको लो बीम में रखनी होती है, स्पेशली सिटी के अंदर। हाईवे पे जाओ तब आप कर सकते हो जब अलग अलग लेन्स होती है, लेकिन भाई सिटी में आपको हमेशा लो बीम पे चलानी है, दूसरे की आंखों में लाइट नहीं मारनी। आपको तेज लाइट चाहिए भाई सड़क पे अच्छे से देखने के लिए, दूसरे की आंख में मारने के लिए नहीं भाई। तो दूसरे की आंखों में लाइट नहीं मारनी भाई, गाड़ी हमेशा लो बीम पे चलानी है। जरूरत पड़े तब हाई बीम कर लो, अदरवाइज लो बीम पे रखो। और कोई बंदा आगे से अगर हाई बीम करते हो आता है तो एक बार आप अपनी गाड़ी की एक बार हाई बीम कर लो, ना वो लो बीम कर ले तो बता देना। एंड भाई ये हुआ है हमारा स्टेयरिंग रैप, इसको अपना डॉटेड वाले कपड़े में करवाया भाई, ये वाला पसंद आया भाई को, भाई बोले ये वाला कराएंगे, भाई ये वाला करा लेते हैं भाई, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। डॉटेड कह लो, परफोरेटेड कह लो। जो हेडलाइट है वो 150 वॉट की है, फॉग लैंप है 120 वॉट का है, एक हॉर्न लिया है हमने हल्ला का ब्लैक पर्ल, ये रखा हुआ पीछे, इसको जब गाड़ी का काम होगा तब हम वहाँ फिट करा लेंगे। एक्सयूवी के अंदर लगी है एम्बेड लाइट, और लगी है उसके अंदर डैम्पिंग हुई है, डैम्पिंग उसके अंदर 12 शीट लगी है 1000 पी शीट के हिसाब से, ठीक है।
और एम्बिएंट लाइट है 9-10 हजार रुपए के आसपास की मिले। ये सारे प्राइस जितने भी है ना, जितना काम दोनों गाड़ियों में, ये सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। माफिया पे जो एक्सयूवी के अंदर काम हुआ है वो भाई पीपीएफ हुई है, उसके अंदर मैट वाली पूरा हुआ है, उसके अंदर जितना भी क्लेडिंग पार्ट था वो सारा पेंट हुआ है, और रह गई हमारी छत ब्लैक पीपीएफ। छत का जो प्राइस है वो 50,000 है, क्लेडिंग पेंट का 20 है, और 90,000 की आपकी पीपीएफ है। पीपीएफ थोड़ी सी महंगी इसलिए क्योंकि व्हाइट कलर ना, उसके लिए थोड़ी सी हायर ग्रेड वाली हमारे को करानी पड़ती है। तो ये सारा प्राइस मैंने आपको बता दिया, इनका एक्सेसरी का प्राइस बता दिया। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। स्कॉर्पियन का इंटीरियर आने वाला है भाई, रेडियो आज तो देख के मेरा मन खुश हो गया भाई, सच में क्या फिट क्या फिनिश, स्वाद आ गया भाई देख के, मजा आ गया। बाकी आप मजा लेना नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाबा टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। गुड नाइट।